अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। साकिब टेक्नोलॉजी में आपको अगेन वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं 3D वॉलपेपर के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन भी अच्छी लगने वाली है। अब पाकिस्तान भर में 3D वॉलपेपर का रवाज आम हो चुका है। जैसा कि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले जैसे ही आया था, तो पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो चाहते थे कि शायद मैं इसे अफोर्ड ना कर पाऊँ, क्योंकि ये मिडिल क्लास फैमिली के लिए थोड़ा अबव था, मतलब इसके रेट जो हैं वो ज़्यादा थे। लेकिन अब अगर बात की जाए तो जैसे जैसे ज़माना तरक्की करता जा रहा है और जैसे जैसे इसकी क्वांटिटियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो इसकी रेट्स में भी कमी आती जा रही है, ताकि आम लोग जितने भी मिडिल क्लास फैमिली से रिलेटेड है, बिलोंग करते हैं, वो भी आसानी के साथ इसे खरीद सकें। अब पाकिस्तान में बहुत सारी वॉल पैनल है, जैसे कि वॉल पैनल महंगा तरीन है, एक अगर उसकी स्लाइड लो तो तकरीबन 350 की बढ़ती है। तो एक कमरे में अगर लगाई जाए, एक दीवार के हवाले से अगर बात की जाए, आपकी दीवार 10 फीट है तो तकरीबन वो आपका खर्चा आ जाता था 4-5 हज़ार, 5 हज़ार एक दीवार पर आता है। तो आपकी चार दीवारें हैं तो तकरीबन 20-25 हज़ार, 30 हज़ार आपका आसानी से आ जाता है। लेकिन यहाँ अगर इस हवाले से बात की जाए तो ये इंतहाई तरीन सस्ता है, सिर्फ और सिर्फ 1300 रुपये की ये एक शीट है एक दीवार के लिए। 10x10 की है, 10x12 की भी है, 10x16 की भी है, 16 की भी है, जो भी आप परचेज करना चाहते हैं, रेट्स डिफरेंट है। 1300 की 10x10 की है, 1500 की 10x12 की है, इसके बाद जो 10x16 है वो थोड़ी 1800 की तक आपको तकरीबन मिल जाएगी। तो ये पाकिस्तान भर से आप ले सकते हैं। इसके सबसे बड़े बेनिफिट्स मैं आपको बता देता हूँ। आम 3D वॉलपेपर के हवाले से अगर बात की जाए तो वो जस्ट आप लगाते हैं दीवार पर लगाते हैं, बिल्कुल कागज जैसा होता है, जैसे कि आप कोई भी कॉपी होती है आप लिखते हैं, अखबारात की होती है या फिर आम नॉर्मल कॉपी का पेज होता है, इतनी मोटाई पर आम मुश्तमिल होता है, जो बच्चा भी फाड़ सकता है। अचानक अगर आप पूरी दीवार पर लगवा भी देते हैं, गलती से बच्चा उसे फाड़ देता है, जिसकी वजह से वो सारी की सारी दीवार जो है बेरौनक हो जाती है। लेकिन अब आपको घबराने की जरूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 1 mm। जी हाँ, 1 mm जिसकी है मोटाई है, ये सबसे बड़ा बेनिफिट्स है आप लोगों के लिए। 1 mm की मोटाई पर मुश्तमिल ये वॉलपेपर, 3D वॉलपेपर आप खरीद रहे हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है। इंशाल्लाह ताला इस इन्फॉर्मेशन से जो पहले भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, फॉर एग्जांपल आपको वॉल पैनल, वॉल ग्रेस के हवाले से, वॉल पैनल के हवाले से, और भी बहुत सारी टाइप्स की जो है इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है। लेकिन यहाँ अगर इस 3D वॉलपेपर के हवाले से बात की जाए तो इंशाल्लाह ताला ये अगर आप लगवाते हैं तो आपकी दीवारों में ये प्लास्टर के बाद लगता है। याद रहेगा, कुछ भाइयों का कहना होता है कि ये प्लास्टर पहले हम पेंट कर देंगे, पेंट के बाद ये लगवाएंगे। याद रहेगा, जितने भी भाई हैं पेंट कर देते हैं, पेंट के बाद ये जब इसकी ये चिपकेगा नहीं आपका प्रॉपर तौर पर। याद रहे कि अगर आपका प्लास्टर है उसमें भुरभुरे दाना टाइप होता है, उसे रेक मार की भी ज़रूरत नहीं है, आप जैसे वैसे ही अप्लाई करवाएं। जी हाँ, खुद मत लगवाइएगा, क्योंकि सलवटें आ जाती हैं वॉलपेपर में, 3D वॉलपेपर में। आप किसी कारीगर हजरात से लगवाइएगा, अगर आप खुद कारीगर हैं, आप बेहतर जानते हैं, तो फिर आप खुद लगाइए पैसों की बचत करने के लिए। लेकिन अगर आप बिल्कुल नील हैं, आपको कुछ नहीं आता, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करता कि आप खुद जाकर इसे लगा लीजिए, क्योंकि सलवट आ जाती है तो पूरी दीवार का वॉल पैनल जो है वो बिल्कुल बेकार होकर रह जाता है। अब वॉल पैनल के हवाले से भी इसी तरह होता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक बार देखते हैं किसी को लगाते हुए तो दोबारा अपने घर में आकर वो खुद लगाने की कोशिश करते हैं। तो यकीन माने, मेरे अपने दोस्त ने एक दफा खुद अप्लाई किया वॉल पैनल के हवाले से थोड़ी बात हो रही है, तो उसने अप्लाई किया, सारी की सारी उसने जो है धज्जियां कर दी उसके वॉल पैनल की, तो सारा उसने जो है सत्यानाश कर दिया उसका। तो इसी सूरत में आप बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो खुद करना चाहते हैं, मजदूरी बचाना चाहते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप अगर आपको काम आता है तो फिर मजदूरी बचाएं, अगर नहीं आता तो फिर मजदूर को अपनी मजदूरी दें और जल्दी से जल्दी अपनी जान छुड़वाएं। अब पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि 3D वॉल पैनल जो है पाकिस्तान में इंतहाई तरीन फेमस हो चुका है, तकरीबन हर घर में तकरीबन ये यूज़ हो रहा है, क्योंकि ये इसकी झंझट नहीं है, ना ही वाटर प्रूफिंग का कोई इशू है, टेंशन है, ये बिल्कुल वाटर प्रूफ है, यहाँ से सेम भी अंदर नहीं आ सकती और ना ही बाहर से पानी अंदर जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप चाय पी रहे हैं, अचानक गिर जाती है दीवार पे तो उसका दाग लग जाता है, आप किसी गीले कपड़े से जो है उसे सर से धो भी सकते हैं, उसका रंग नहीं उतरने वाला। सबसे बड़ा आपके लिए बेनिफिट्स यही है। तो इंशाल्लाह ताला अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो इनकी साइट्स पर जाएं, आपको इंटरनेट पर बहुत सारी साइट्स मिल जाएंगी। आप अलीबाबा से जो है मंगवा सकते हैं या फिर दराज से भी मंगवा सकते हैं, वहाँ पर भी अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको नहीं कहता कि वहाँ से आप लें, क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसा होता है कि देखने में कुछ और मिलता है और जब घर आता है तो वो कुछ और होता है। मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है।
तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप किसी भी शॉप पर जाएं, आपके शहर में, अगर आपका शहर कोई भी है, कराची है, मुल्तान है, सखर है, बहावलपुर है, लाहौर है, रावलपिंडी है, इस्लामाबाद है, कोई भी शहर है, एनीवे आप वहां पर जाएं, अपने शहर में जाएं, वहां से आप देख सकते हैं। 3D वॉलपेपर सर्च कीजिएगा इंटरनेट पर, आपका करीबी शहर में जहां भी कोई शॉप है वहां पर आप चले जाएं और वहां से आप खरीद सकते हैं। उम्मीद करते हैं जो मैंने आपको रेट बताए हैं ये बिल्कुल यकसान रेट है। अब दुकान वालों पे डिपेंड करता है कि किस तरह बढ़ा चढ़ा कर आपको बताते हैं, लेकिन ये जो मैंने रेट्स बताए हैं अमूमन 1 MMM जो है इसके रेट्स यही है। अगली वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।